पहले गैंगरेप, फिर हुई मौत। गैंगरेप ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, हाथरस जिले में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। आजमगढ़ से बड़ी खबर। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया और मांग की घटना के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से तत्काल त्याग पत्र दिलाया जाए। मृत बच्ची के परिवारजनों को 25 लाख तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। मृत बच्ची के परिवारजनों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ जंगल राज जैसी स्थिति है। उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस का अपराधियों को खौफ नहीं रह गया है, जिसका ताज़ा उदाहरण हाथरस में गैंगरेप के बाद बच्ची की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जीभ भी काटी गई और अंततः उसने जीवन मृत्यु से संघर्ष करते हुए दम तोड़ दिया। बच्ची के मृत शरीर को भी पुलिस ने घर वालों को नहीं दिया। सबूतों को छिपाने की गरज से रात के अंधेरे में दाह संस्कार कर दिया गया। घटना को शासन प्रशासन पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया। मांग पूरी ना होने की दशा में कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। शहर अध्यक्ष नजम शमीम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री यदि मासूम बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, सभी मोर्चों पर फेल हैं, ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए। धरने को डॉक्टर लालती देवी, बिलाल अहमद, तेज बहादुर यादव, मुन्नू यादव, ओंकार पांडे, मंचीद यादव, विवेक राय, अमर बहादुर यादव, राजा राम यादव आदि लोगों ने संबोधित किया। धरना में सुरेंद्र सिंह, मुन्नू मौर्य, देवमुनि राजभर, जगदम्बिका चतुर्वेदी, अजीज इमाम, रविशंकर पांडे, अंशुमाली राय, आशुतोष रजत, महेश चंद श्रीवास्तव, सुरेंद्र तिवारी, सुरेश यादव, विपिन पाठक, सुरेश राजभर, अखिलेश चौबे, आमिर साहिब, सोनू प्रजापति, जीशान अहमद, मोहम्मद आमिर, अब्दुल करीम, मोहम्मद इलाही आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इंडिया पावर न्यूज के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज की एक रिपोर्ट। हाथरस की पीड़िता है, तेज बोलिए, जिसके साथ पुलिस दरिंदगी करती है, उसकी जीभ काट ली जाती है, वो अस्पताल में जाती है, मर जाती है और उसको पुलिस अपने तरीके से उसका जो है दाह संस्कार कर देती है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो पुलिस की भूमिका है एक कार्यपालिका के रूप में, सरासर निंदनीय है और पूरी कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह जगह आंदोलन की थी। आज हम लोगों ने भी उस हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आजमगढ़ में प्रदर्शन करने का काम किया है और आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को मैं बता देना चाहता हूँ कि हाथरस की पीड़िता के साथ जो जघन अपराध पुलिस ने किया है, जिस तरह की ना इंसाफी अनदेखी पुलिस ने की है, उसी तरह का मामला प्रदेश जनपद में है, क्योंकि योगी सरकार आत्मुग्ध है। वो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए काम नहीं कर रही है, वो पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी है, खासतौर से दलितों पिछड़ों के साथ जोरों पर अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में अगर आजमगढ़ जनपद का पुलिस प्रशासन यह जान ले इस ज्ञापन के माध्यम से कि हाथरस
पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। और आजमगढ़ में अगर इस तरह की घटना होती है तो हम आजमगढ़ पुलिस प्रशासन का योगी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि देश के मुख्यमंत्री को, जहाँ इस तरह के कई पीड़िता हमारे यहाँ सत्यनाराम जैसे की हत्या हो जाती है, वह पीड़िता का बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, रोज इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे योगी को, जिसको सामाजिक जनजीवन से, पारिवारिक जनजीवन से दूर दूर तक मतलब नहीं है, उसको मुख्यमंत्री रहने का एक मिनट का वक्त नहीं देना चाहिए, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। और साथ ही साथ पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए, जिस तरीके से पुलिस ने उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ रखकर उसको, उसकी लाश को जलाने का प्रयास किया गया है पुलिस द्वारा, और उसके परिवार की गैर मौजूदगी में उसके शव को जलाया गया है, ये कितना सही है और कितना गलत है? मैं कह रहा हूँ कि ये इससे बड़ी मानवता का हास कहाँ संभव हो सकता है। मतलब इससे बड़ी दुर्दान घटना क्या सोच सकते हैं कि जो रक्षक थे वही रक्षक बन रहा है? यानी पुलिस से अब रक्षा किससे, इसके बाद उम्मीद कर सकते हैं क्या? मैं समझता हूँ कि यह घटना निश्चित रूप से नैतिकता के आधार पर, योगी अगर भारतीय संस्कृति के, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक है, तो उसके सम्मान में और उत्तर प्रदेश के और देश के लोकतंत्र के सम्मान में तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ाई हुआ।